हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम्स। आज का जो सब्जेक्ट है वो इंडो पाक कल्चरल डिज़ाइन के ऊपर है। हम पाकिस्तान और इंडिया के जो कल्चरल डिज़ाइंस हैं, जो टेक्सटाइल के पैटर्न्स हैं, प्रिंट्स हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसीशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो रियासतें हैं दोनों इकट्ठे थी, पहले साथ थी। फिर जब प्री पार्टीशन जो टाइम पीरियड था उसमें पंजाब जो भी बड़े बड़े इलाके थे जिनका बहुत ज़्यादा फेमस कल्चर था, फेमस डिज़ाइंस पैटर्न थे, वो बिल्कुल कंपाइल होते थे, इकट्ठे थे। जब पार्टीशन हुआ तो वो जब अलग अलग स्टेट बन गए तो उनका एक वो जो एक वे ऑफ प्रिंटिंग था, वे ऑफ डिज़ाइनिंग था, जो उनके रिचुअल्स थे, जो उनकी रस्म थी, रीत थी, बनाने की ट्रेडिशंस थे, वो वही रहे। लेकिन एक टाइम तक, लंबे टाइम तक वो चीज़ें वैसी ही चलती रही, जो उनका एक अपना कल्चरल एक इम्पैक्ट था, अभी तक भी वो वही है। लेकिन जो डिज़ाइनर्स का रेवोल्यूशन आया इंडिया में, पाकिस्तान में, जो लोग ऐसे आए जिसके एजुकेशन बनी, उनकी जो हिस्ट्रीज थी, ट्रेडिशंस था, उसके ऊपर जिन्होंने वर्कआउट किया, मज़ीद उसको और ज़्यादा प्रोमिनेंट किया ऑडियंस के लिए, हमारे लिए, कि हम लर्निंग दे सकें और उनको बनाने के तरीके नए तरीके से इन्वेंट कर सकें, तो उसमें ऐसा चेंजिंग आया जो हमने उसको मज़ीद चेंज किया, उसको स्टरलाइज किया, डिफरेंट कल्चर्स को कंपाइल करके कुछ न्यू एक मिक्सअप क्रिएट किया। क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम देख रहे होते हैं या वो उसी फॉर्म में आ रही हो तो वो एक कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करती है। वो जस्ट हमारे लिए एक अच्छा डिज़ाइन हो सकता है, एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, बट हमारा उसको बाय करने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो बींग अ डिज़ाइनर, जब भी आप कोई चीज़ ऐसी बना रहे होते हो या बींग अ कस्टमर, जब कोई कस्टमर आपके पास आता है या कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आपसे वो अपना एक वे ऑफ थिंकिंग शेयर करता है कि मैं ये चाहता हूँ और मैं इस तरह सोच रहा हूँ, तो आप उसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग चीज़ों को विजुअलाइज करके आप उसको प्रोडक्शन सर्व करते हो, मतलब जो प्रोडक्ट होता है वो उसके आगे पेश करते हो। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि जब भी एक मैं बेसिक आपको चीज़ बता दूँ जो हम पहले भी आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं, कि हम जब भी कोई चीज़ फाइनल प्रोडक्शन सोचते हैं तो हमेशा हम उसको पहले ड्राफ्टिंग के थ्रू, इलस्ट्रेशन के थ्रू ड्रॉ करते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा हमारा रिसर्च अच्छा होता है उतना ज़्यादा हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से पिक कर लेते हैं। अगर मैं आप लोगों को आके कहूँ कि मुझे टर्किश ये पैटर्न चाहिए तो आप लोगों के सामने कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि ना आपको टर्किश कल्चर का पता है ना आपको उसके पैटर्न का पता है। तो जब आप रिसर्च करोगे और अपनी रिसर्च को अच्छा बरकरार रखोगे तो आप इन चीज़ों पे एक बहुत पॉवर्टी से आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी बेसिक कम अज़ कम टेक्सटाइल की टेक्निक्स हैं, बेसिक ऐसे कल्चर्स हैं, ऐसे रिचुअल्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं अपने क्लॉथिंग से, अपने गारमेंट्स से, अपने टेक्सटाइल से, आपने ज़रूर उनके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, हाँ, जो क्लाइंट होते हैं बाज़ दफ़ा काफ़ी इस तरह के होते हैं जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन करा रहे होते हैं या बनवा रहे होते हैं, वो आपके पास आके आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, उस पिक्चर के अंदर जिस भी तरह का वे ऑफ डिज़ाइन बना हुआ है आपको वो उस तरह का एक फॉर्म दे रहे होते हैं कि हमें ये इस तरह की चीज़ चाहिए। तो आप लोगों की रिसर्च स्ट्रांग होगी तो आप उससे बेहतर काम कर सकते हो। अगर रिसर्च स्ट्रांग नहीं होगी तो आप उससे एक प्रीवियस में जाके भी काम कर सकते हो, तो वो जो आपका एक प्लस पॉइंट काउंट नहीं होगा। सही, अब मुझे एक ये गूगल से पिक्चर मिली जिसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक फॉर्म था। ये कोई इंडिया का किसी म्यूजियम में एग्जीबिशन हुआ था। इस एग्जीबिशन में जो एक फेमस एक फॉर्म था वो ये था कि जो ओल्ड हमारे प्रिंट्स हैं, पैटर्न्स हैं इंडिया में, वो उठा के उनको मर्ज किया गया था, उनको मिक्स किया गया था और फाइनल प्रोडक्शन कुछ ऐसी निकाली गई थी जो एशिया का भी एक रिचुअल लगे, सकाफत लगे, कल्चर लगे और एक उसमें वेस्टर्न टच भी आया। क्योंकि आजकल का जो टाइम है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम लोग वो चीज़ वेयर करना पसंद करते हैं जो ऑल ओवर एक कंट्री में फेमस हो, वर्ल्ड में फेमस हो। तो जो भी हम चीज़ डेवलप कर रहे होते हैं वो ज़रूरी है कि अप टू डेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वही एक ओल्ड फॉर्म में चल रहे हैं और मार्केट कुछ और मांग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक ये पिक्चर आपके सामने मेंशन करने का जस्ट ये एक फॉर्म था कि आप लोग इसका थोड़ा सा लुक आफ्टर करो। इसका मजीद जो एग्जीबिशन था, इसका ये पिक्चर थी, वो भी मेरे पास है। एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको ज़रूर वो मेंशन करूँगी। अच्छा, मेरी मैंने जो आपको ये बात बताई कि इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही जमीन थी, जब इसका पार्टीशन हुआ तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो टेक्निक्स सेम थी, लेकिन पार्टीशन के बाद क्राफ्टमैन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है,
कुछ वहाँ इंडिया में रहे, कुछ पाकिस्तान में रहे, जो वो काम से जानते थे, वो काम सीखा हुआ था उन्होंने, किसी किसी लोगों में लाइक वही चीज उन्होंने सीखी हुई थी, उनके बड़ों ने वो काम किया हुआ था, लेकिन आफ्टर जब उनके वो एक टाइम पीरियड नहीं रहा तो उनके पास लर्निंग थी, उनके पास वो एक हुनर था काम करने का, तो उन्होंने उस पर मजीद कंटिन्यू किया, क्योंकि वो लोग उनके पास आए जो लोगों को अवेयरनेस था कि ये कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और उस पर कितना मजीद काम हो सकता है। क्योंकि वही अगेन बात आ जाती है कि बहुत सारे लोगों में कोई ना कोई ऐसे 5-6 लोग होते हैं समहाउ जो क्रिएटिव हो, क्रिएटिव सोचते हों, ठीक है। तो इसी तरह से ये चीज़ आगे बढ़ती गई, फिर ये अपना कल्चर से, ट्रेडिशन से फैशन भी आई, फैशन के बाद इसमें फिर डिज़ाइनर्स का इनपुट हुआ कि इसमें ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, तो एक वो प्ले अभी तक चल रहा है, ठीक। अगर वेस्टर्न में हम जाएं तो काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न भी इस तरह के कपड़े पहनते हैं जिसमें हमारे एक रिचुअल फ्रेंड्स होते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें या हम इंडिया की बात करें तो वहाँ के जो पैटर्न्स हैं, प्रिंट्स हैं या उनके जो मोटिव्स हैं वो उसमें आ जाते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि इंडिया के अंदर समहाउ फिगरेटिव भी बहुत यूज होता है, ठीक है। तो जो भी फेमस एक आर्ट एराज थे जिसमें जो इंडिया से फेमस हुए उसमें बहुत ज़्यादा कलमकारी, उसके बाद जो हमारे पास बतीक टेक्निक थी उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जिसमें फिगरेटिव फेसेस मुगल्स से इंस्पिरेशन लेके बनाया जाता था, क्योंकि मुगल से ऐसे लोग थे जो पंजाब से फेमस थे और उनमें बहुत ज़्यादा एक सिग्नेचर एनिमल्स और उनके जो पैटर्न्स होते थे या उनकी जो एम्ब्रॉयडरीज होती थी वो बहुत ज़्यादा क्राफ्टी और बहुत ज़्यादा टाइम देके उनको डेवलप किया जाता था। अच्छा, मुगल टेक्सटाइल तो एक बहुत बड़ा ह्यूज एक टॉपिक है, अगर इन फ्यूचर हमें कोई इस पर बात करनी हुई तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। अभी के लिए तो पाकिस्तान के अंदर हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी डिज़ाइन एंड पैटर्न्स की बात करते हैं तो बहुत कम ही फिगरेटिव हमें दिखता है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ मुस्लिम कंट्री कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी वजह से लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते और लोग उसको वेयर करना पसंद नहीं करते, क्योंकि सम हाउ रिलीजियस जो अपना रिलीजन अपना एक बाउंड्रीज होती है उसमें फिगरेटिव नहीं इंक्लूड होता। तो यहाँ पे ज़्यादातर ऑर्नामेंट्स, ज्योमेट्रिकल, फ्लोरल, इनका कंपाइल करके कुछ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हम जो है वो मजीद जो टेक्निक्स हैं, काम है, वो कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिगरेटिव पे इंटरेस्ट रखते हैं, तो बाज़ दफ़ा मार्केट में हम सम हाउ ऐसा भी देखते हैं कुछ ब्रांड्स के ऊपर, कुछ लोकल शॉप्स के ऊपर, कुछ रिटेलर्स के ऊपर कि वो फिगरेटिव में कुछ ऐसी चीज़ें प्रोडक्शन सेल करते हैं जिनके कलर्स हमेशा से बहुत ज़्यादा शार्प और अट्रैक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंस्पिरेशन फिगरेटिव की इंडिया में अभी तक बहुत बरकरार है, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक हाइट मिली हुई है और वहाँ पे ये चीज़ मशीनरी की तरह बनती आ रही है, मतलब एक स्टॉक के बाद नेक्स्ट स्टॉक उस पर बन रहा है, तो उसमें हमारे पास वेरिएशन इन कलर स्कीम के ऑप्शंस एंड रेफरेंसेस मिलते हैं, सही। अभी इसके बाद जो है हमारे पास थोड़ा सा जो इनकी बेसिक मीनिंग्स है और डेफिनेशंस है हम उसके ऊपर बात करके देन प्रोविंस और उनके जो कल अपना ट्रेडिशन है एंड कल्चर है अभी तक जो कायम है उस पर हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें फेमस हैं इंडिया में, जो उनके स्टेट्स हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट्स हैं उसमें क्या चीज़ें फेमस हैं। उसमें कोई इतना ज़्यादा डिफ्रेंसीशन नहीं होगा, हमारे पास यहाँ पे कल्चरल ट्रेडिशन का थोड़ा सा डेफिनेशन मौजूद है। यहाँ पे दे मेंशन कल्चरल ट्रेडिशंस इंक्लूड इवेंट्स, रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट अ सोसाइटी शेयर, रीड अबाउट द वाइड वैरायटी ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन इन दीज आर्टिकल्स। ओके, हम आर्टिकल्स में नहीं जाएंगे बिकॉज वही फिर एक वो हिस्ट्री ऑफ कल्चर के टॉपिक में हम आ जाएंगे, अभी हमारा वो मोटो नहीं है। तो कल्चर और ट्रेडिशंस जो होता है वो इवेंट्स, रिचुअल, रीत और रस्म, रिचुअल इट मीन्स रस्म और कस्टम्स, वो सोसाइटी का जो लोग वहाँ रहते हैं, जिस इलाके में लोग रहते हैं या जिस स्टेट में लोग रहते हैं, स्टेट इट मीन्स प्रोविंस, सूबा, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है। उनके इवेंट्स जो होते हैं, उनके जो रिचुअल्स होते हैं, उनके कस्टम्स होते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे जो ईद त्यौहार होते हैं वो हमारे इवेंट्स होते हैं। अगर हम रिचुअल्स की बात करें तो ईद पे क्या हम परफॉर्म करते हैं, किस तरह से हमारी रस्म होती है, जो हम किसी के घर कुछ बेच रहे हैं या कोई कोई चीज़ हमारे पास आ रही है उसमें क्या ऐसी सिग्नेचर डिशेज हैं जो बनाई जाती हैं, वो रस्म में आता है। और अगर हम कस्टम्स में बात करें तो कस्टम इट मीन्स कि जो हमारा वेयरिंग होता है उसके अंदर वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम इन पाकिस्तान देखें, सिर्फ सराउंडेड हमारे एक जस्ट मैं एक इलाके की बात करूँ
तो एक इलाके में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं। देन हम अगर नेक्स्ट इलाके में जाएं तो वहां पे देखा जाए तो एक बहुत ज्यादा डिफ्रेंसिएशन होता है रिप्रेजेंट करने का चीजों पे। हर घर की एक अपनी रिचुअल, और दैट इज वेरी ट्रू कि हर घर की अपनी एक रिचुअल होती है, और आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आप जिस एरिया में रहते हो, आप उसकी तरह परफॉर्म करती हो, क्योंकि आपको एक यूनिटी की तरह चलना होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा इस पे बात करें। अगर गिव मी वन मिनट, अच्छा, इंडिया जो है, इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, 29 सूबे हैं, जो कि डिफरेंट तरह के नाम हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ये वो नाम हैं जो आपने बहुत ज़्यादा फेमस सुने होंगे। पंजाब अगेन एक इस ऐसे एरिया में पंजाब था जब पार्टीशन हुआ, तो वो हाफ पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड हुआ एंड हाफ जो है वो इंडिया में है। इसके बाद जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर अगर हम इसको ऐसा कहें कि हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो वहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया गया अपने कल्चर के हिसाब से, हमने भी उसको बरकरार रखा अपने आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर, इट्स अगेन जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में भी है, वहाँ पे भी है, तो उनका जो एक वे ऑफ मेकिंग है, उनका जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज है, इनकी जो मेकिंग है वो सेम होगी। इसी तरह से जो बिहार है, बिहार का कल्चर या राजस्थान का कल्चर, दे आर वेरी फेमस। हम यहाँ पे अगर थर देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर एक सिंध प्रोविंस है, उसमें एक एरिया है थर पारकर, अगर हम उनके पैटर्न्स को, उन लोगों को देखें, तो हमें राजस्थानी लोगों की फील आती है। वहाँ पे भी सारा डिजर्ट है, कैमल्स उनकी जो है वो एक सवारी होती है, और जो लोग हैं वो इसी तरह के कस्टम्स पहनते हैं। उनकी थोड़ा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा जाए तो वो भी समहाउ थोड़ा सा एक मिलता जुलता है राजस्थान से, तो वो एक फील आ रही होती है कि बोथ थिंग्स आर वेरी सेम, दोनों जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सेम हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग थे, कंपाइल यूनिटी था, जो पार्टीशन में उनको एक डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और पार्टीशन के बाद अब तक भी जो भी चीज़ें होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, जितने भी ज़्यादा हमारे रिचुअल्स हैं, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ये मेरा अकॉर्डिंग एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जितना मैंने पाकिस्तान इंडिया में एक क्राफ्ट देखा है और उसके ऊपर मेहनत देखी है उस चीज़ को बरकरार रखने में, उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास एक बहुत ज़्यादा वसी हमारे पास एक क्वांटिटी में लोग काम कर रहे हैं। अगर उन्हें इंटरनेशनली भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, इंडिया ने भी, इन पाकिस्तान ने भी। अच्छा, इसके बाद अगर हम स्टेट्स को देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो अक्सर करके हम सुनते हैं, उसमें गुजरात है, बंगाल है, हरियाणा, असम, गोवा और आगे भी, क्योंकि 29 स्टेट्स बहुत ज़्यादा एक यूनिटी है, बहुत ज़्यादा सूबे हैं, उनका एक अपना अपना आइडेंटिफिकेशन है, तो कल्चर जो है वो रिचली भरा हुआ है इंडिया के अंदर, और उनके जो क्राफ्ट है वो भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक फेमस है और भरे हुए हैं। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान के स्टेट्स की बात करें तो जस्ट पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, केपी के, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारे पास एक सकाफत, जो उसके अंदर जो उनकी आइडेंटिफिकेशन है, समहाउ हम अगर उनमें देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा रिचनेस, बहुत ज़्यादा एक वेरियस हमें डिज़ाइन पैटर्न्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे पास स्टेट्स, और उनके जो एक कल्चरल एक आइडेंटिफिकेशन है वो उनके पैटर्न्स को डिस्क्राइब करती है। लेकिन अगर हम कास्ट की बात करते हैं, जो डिफरेंट कास्ट हैं, जो डिफरेंट लोगों की मेजॉरिटी है, जो डिफरेंट टाइप्स हैं, अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में अजरक अगर फेमस है तो वो एक एरिया का अजरक है जहाँ इस एक एरिया में बनता है। वो फेमस क्यों है? क्योंकि उस पैटर्न को, उस एक कलर्स को वो बहुत ज़्यादा एक ह्यूज एक हाइट मिली है। लेकिन अगर हम इसी सिंध के अंदर देखें तो काफ़ी सारे ऐसे नसरपुर है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे सिटी, छोटे गांव हैं, थर हैं, थरपारकर जो मैं आपको भी बता रही थी, तो उनके भी पैटर्न्स अलग अलग डिफ्रेंसिएशन रखते हैं, उनकी एक अपनी आइडेंटिफिकेशन है। तो इसी तरह से जैसे छोटे छोटे जो कबीले, छोटे छोटे जो तबके रहते हैं आपके एक प्रोविंस के अंदर या एक शहर के अंदर, उसमें भी बहुत ज़्यादा एक चीज़ें पाई जाती हैं, हमारे पास बिजनेस पाई जाती है। कभी भी कोई भी चीज़ हमारी, जब भी हम रिसर्च की बेस के ऊपर बात करते हैं या हम अपना फाइनल थीसिस या फाइनल जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर हम बात करते हैं,
तो हमेशा से हमें कहा जाता है कि आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर फोर ईयर्स या आफ्टर टू ईयर्स बैचलर्स और मास्टर्स या आपका कोई अपना रिसर्च पेपर होता है, रिसर्च आर्टिकल होता है, पेपर के ऊपर आप काम करते हो, तो हमेशा से आप इस सबसे पहले आपको एक चीज असाइन की जाती है कि आप रिसर्च करो एंड जितने भी जहन में आपके टॉपिक्स हैं आप सब्जेक्ट सोचते हो वो आप राइट करो, राइट करके आप देन आप हमारे पास रिसर्च करके राइटिंग करके आप आओ। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि पर्सनली हर इंसान की एक अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है? कभी भी कोई भी इंटरेस्ट आपका ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल ही आउट ऑफ वे हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपके बात करने का तरीका, आपके खाने का तरीका, उठने बैठने का तरीका आपकी आपके बोले बगैर रिप्रेजेंट करता है। आप जिस तरह से लोगों के सामने आते हो या आप उनसे डील करते हो, वो तरीका आपका, वो सोच आपकी, वो टाइप आपका लोगों के सामने आपका बैकग्राउंड रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट्स ट्रू, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पर अल्फाज से बताओ कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। बाज़ दफ़ा आपके वे ऑफ टॉकिंग से, वे ऑफ एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि आप कहाँ से हो, तो इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं होती है। ये वही लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रेवलर्स रहे हों, काफ़ी जगहों पर घूमे फिरे हों, रहे हों, तो उनको पता हो कि यहाँ यहाँ के लोगों की क्या आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है? तो मैं आपको जो रिसर्च का बता रही हूँ कि रिसर्च के ऊपर जब भी हम बात करते हैं या हम किसी फाइनल प्रोडक्शन के ऊपर काम करते हैं या प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो हमेशा हमारे पास एक रिसर्च का काम का एक बेस होता है। ये तो अभी जस्ट हम इंडो पार्क के ऊपर बात कर रहे हैं, जो उनके जो एक रिचनेस है कल्चर की। इससे अगर बाहर निकला जाए तो हम अगर डिफरेंट कंट्रीज की बात करें तो उनका एक बहुत ज़्यादा वसी कल्चर है, वसी उनकी सकाफतें हैं, उनके पास भी इतना ज़्यादा ज्वेल्स इस क्वांटिटी में भरे हुए हैं कि हम अगर उन पर वर्कआउट करना है तो वो एक प्रोजेक्ट की बात ही नहीं है। वो प्रोजेक्ट एक सिर्फ एक लफ्ज़ पे किया जा सकता है, उसके पीछे जितनी रिसर्च है उस पर किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ में हम सब चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो हमें जब भी कोई ऐसा टॉपिक लेना होता है या हम कोई चीज़ पिक करते हैं तो हमें कहा जाता है कि इसको लिमिटेड करो, मिनिमाइज करो, क्योंकि कल्चर से रिलेटेड या किसी कबीले से रिलेटेड कोई भी हम चीज़ उठाते हैं तो उसमें हर चीज़ में वेरिएशन आता है, तो उसमें से हमें कोई ना कोई एक उनका फॉर्म सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है कि हम उसके पीछे रिसर्च करें। आप लोगों में से बहुत लोगों का ऐसा इंटरेस्ट होगा कि हम इंडिया पाकिस्तान के पैटर्न्स पे प्रिंट्स पे काम करें, लेकिन किस तरह करें बहुत ज़्यादा हो चुका, बहुत आम हो चुका, हम अभी मज़ीद इस पर करेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे, तो ये चीज़ें सारी आपकी कन्फ्यूजन्स होती हैं। इस पे काम करने का मतलब ये है कि आप अपने एक ट्रेडिशन को जहाँ से आप बिलोंग करते हो आप उसको ज़्यादा मज़ीद आगे बढ़ा रहे हो, उसको और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो। बीइंग अ डिज़ाइनर आप एक वे ऑफ व्यूअर को वे ऑफ विजन एक डिफरेंट दे रहे हो, ठीक है? तो इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा इंडो पाक कल्चर टेक्सटाइल आइडेंटिफिकेशन है। इसमें हमारे पास ये बेसिक तस्वीरें हैं, इसकी डिटेल आगे डिफरेंट तस्वीरों में है। अगेन मैंने जो आपको बात बताई कि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो कि अभी तक बरकरार हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन पर काम किया जा सकता है। पहले जब लोगों को अवेयरनेस नहीं था, वो लोग जस्ट इस काम को बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस में एक पहनने की हद तक ज़रूरत समझ के बनाते थे, घर को डेकोरेशन के लिए, इंटीरियर के लिए। लेकिन अब उन इंटीरियर साइट्स के लोगों की अप्रोच नहीं है बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अब्रॉड में या अपने मार्केट्स के अंदर, तो उनसे फिर सेलर्स वो चीज़ बाय करते हैं, देन उसको फिर मार्केट में वो आगे सेल करते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ बरकरार है, लेकिन एक चीज़ पे नज़र ज़रूर रखी जाए, जो क्राफ्ट ये लोग करते हैं ओरिजिनल जो उनके लोग हैं करने वाले, वो जस्ट क्राफ्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनका एक होता है आपका फ्रॉम बॉर्न, आप जब से पैदा हुए हो आपको एक ऐसी चीज़ दी गई है जिसको आपने अपना एक फॉर एग्जाम्पल एक तरह की प्रॉपर्टी समझ के आप उसको कर रहे हो, क्योंकि आपको ये है कि ये मेरी चीज़ है, मुझे इसका ख्याल रखना है। तो हम बिज़नेस जो शहर के लोग हैं, जो बिज़नेस एक डिज़ाइनर्स हैं, वो एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इस चीज़ के एक प्रमोशन के हकदार हैं वो लोग हैं जो इसको कर रहे हैं, अभी तक भी उन्होंने इसको जिंदा रखा है। तो हमें उन लोगों को भी बार दफ़ा रिप्रेजेंट करना चाहिए या उनका एक एक्नॉलेजमेंट देना ज़रूरी होता है कि हमने ये चीज़ कहाँ से ली, रेफरेंसेस हम मेंशन करें, ठीक है? अच्छा, इसके बाद एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे है कि 13 थिंग्स यू शुड नो अबाउट पाकिस्तानी कल्चर। तो थोड़ा सा हम पाकिस्तान पे यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी कल्चर इज़ वेरी डाइवर्स, दैट इज़ ट्रू,
इसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी सी मेन चीजें पढ़ते हैं। पाकिस्तान्स कल्चर इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ इंडिया, पर्शियन, अफगान, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशियन, साउथ एशियन एंड वेस्टर्न एशियन इन्फ्लुएंसेस। देयर आर अवर 15 मेजर एथनिक ग्रुप्स इन पाकिस्तान विच डिफर इन फिजिकल फीचर्स, हिस्टोरिकल ब्लड लाइंस, कस्टम्स, ड्रेस, फूड एंड म्यूजिक। ओके, अच्छा यहाँ पे एक चीज मेंशन हुई भी है कि पाकिस्तान कल्चर का जो एक पाकिस्तानी कल्चर जो है वो एक ऐसी ऐसा एक मजमूआ है, मतलब ऐसा एक कलेक्शन है जो इंडियन, पर्शियन, अफगान, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड वेस्टर्न एशिया का असर है। मतलब जो पाकिस्तान के पास जो भी ज़्यादा अपने पास एक सकाफती एक चीज़ें हैं जो हम अपना कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं वो एक मजमूआ है, मतलब एक कलेक्शन है इंडिया की, पर्शियंस की, अफगान की, सेंट्रल एशियंस की, साउथ एशियंस की एंड वेस्टर्न एशियंस की, ये उसका असर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है जो हमारा 15 मेजर एथिक्स ग्रुप इन पाकिस्तान, ये जो मैंने नाम दिए ये 15 एक मेजर एथिक्स हैं। एथिक्स इट मीन्स इखलाक, इखलाकी ग्रुप है। ठीक है, एथनिक इट मीन्स ओके, एथनिक इट मीन्स नस्ली, मतलब वो एक नस्ल टू नस्ल एक चीज डाइवर्ट हो रही है। ठीक है, वैसे ओके ठीक है, नस्ल तो ये एक 15 मेजर नस्ली ग्रुप्स हैं जो कि टाइम टू टाइम इस चीज़ को डाइवर्ट कर रहे हैं, दो जो कि हमें कस्टम, जो हमारे ड्रेसेस हैं, कस्टम्स हैं, फूड्स हैं, म्यूजिक्स हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा कर आइडियोलॉजिकली एक फॉर्म देते हैं, और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो पंजाबी, सिंधी, बलोच, पश्तूनस, कश्मीरीज, हजारास, मकरानी एंड बल्तीस। ठीक है, ये इस रीजन से बाहर निकले हैं। ठीक है, आगे एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है, कमिंग फ्रॉम रीजन्स एज क्लोज टू होम एज द इंडस वैली और एज फार अफ्रीका और तिब्बत, अदर देन एंशियंट एथनिक एलिमेंट्स द रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम हैज आल्सो स्ट्रॉन्गली शेप्ड पाकिस्तानी कल्चर सिंस इट फर्स्ट केम टू द रीजन इन AD 700। ओके, तो इसमें ये सारा एक पाकिस्तान के पास ये पूरा मजमूआ है इन 15 मेजर जो हमारे एथनिक नस्ल दर नस्ल डाइवर्ट करने वाले ग्रुप्स का जिनके नाम मेंशन हैं, उसमें जो है अपना हिस्टोरिकल जो एक फॉर्म हमें रिप्रेजेंट करता है ड्रेसेस को, फूड्स को, हमारे कल्चरल म्यूजिक को, उसमें पंजाबी, सिंधी, बलोच, पश्तून, कश्मीरी, हजारा जो यहाँ पर मैंशन है स्क्रीन पर, ये सारे मैंशन हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक मेंशन चीज लिखी हुई है कि इस्लाम जो है वो स्ट्रांगली जो है उसने पाकिस्तान के कल्चर को बहुत ज्यादा फॉर्म दिया है, जो कि मैंने आपको चीज बताई कि फिगरेटिव जो है वो आपने कभी भी पाकिस्तान में एज अ ट्रेंड नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो ड्यू टू रिलीजन रिस्ट्रिक्शंस और जो भी हमारे ऑर्डर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इस्लाम ने स्ट्रांगली शेप दिया है। इट मीन्स इन सारी जो चीज़ों का एक कंक्लूजन निकाला है उसमें भी फिगरेटिव को कभी भी मॉडिफाई आइडेंटिफिकेशन में नहीं लाया थी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये अफगान की फेमस एक फॉर्म्स हैं, आपने इसको देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में डिटेल है, म्यूजिक के बारे में डिटेल है, पाकिस्तानी कल्चर इंक्लूड्स एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप। अगेन वही बात आ गई कि पाकिस्तानी कल्चर जो है वो एक जो क्राफ्टमैनशिप है, क्राफ्टर्स जो हैं हमारे काम करने वाले, ये उनका एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। अगर वो इसको बरकरार नहीं रखते तो ये चीज़ कभी भी हमारे पास टॉप पे नहीं, प्रायोरिटी एक तरह से प्रायोरिटी में हमारी हमारी च्वाइस में मैंशन नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे एक ज्वेलरी का एक फॉर्म एंशियंट है, आई थिंक इट्स अ माथा पट्टी एंड दे मेंशन्ड पाकिस्तानी ट्रक आर्ट इज नॉट द ओनली वर्ल्ड फेमस एग्जांपल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। अच्छा, पाकिस्तानी जो ट्रक आर्ट है वो दुनिया उसको जानती है कि वो फेमस है और वो क्राफ्ट लोग हाथ से लोग उसको बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है
Pakistani craft includes a plethora of styles, materials and aesthetics. Calligraphy is Arabic is one of the most prominent skills found in many local buildings and sites in wall hanging, that is true. Calligraphy Arabic ki us pe itna mazid kaam ke upar bhi calligraphy ki itna mazid kaam ho chuka hai ki hum jitna bhi us pe kaam kare to ab wo repeated lagta hai ki ye pehle ho chuka hai ye pehle ho chuka. बाज़ दफ़ा हम जब एजुकेशन अपना लेवल पे होते हैं जब चीज़ों को जस्ट लर्न कर रहे होते हैं या ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हम जस्ट चीज़ देखते हैं उसको कॉपी करते हैं चीज़ देखते हैं कॉपी करते हैं फॉर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स तक हम ये करते रहते हैं. आफ्टर 3 ईयर्स हम सोचते हैं कि अब हमारा अपना हमें क्या करना है तो वो हमारे पास करने के लिए टाइम ही नहीं रहता और एट द एंड भी हम कॉपी करके फाइनल थीसिस दे के कंक्लूजन निकाल के चले जाते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी रिसर्च स्ट्रांग हो, जैसे आप अपने सामने वो चीज़ें रख के उसके ऊपर सारा वर्कआउट करके आप कोई एक नया चीज़ आई थिंक एडवर्टाइज कर सको या एक कंक्लूजन निकाल सको कि ये एक न्यू फॉर्म है इस चीज़ का. ठीक है, तो हमारे पास जो क्राफ्ट है वो हमेशा से फेमस रहा है, जो कि हाथ से बनाया जाए, जिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जाए, जो जिसपे इस तरह के मटेरियल यूज हों जो लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करे कि ये कैसे हो सकता है इसमें. तो वो अभी तक भी बरकरार है, हाथों से पेंट करना चीज़ों को, सेरामिक को हाथों से बना के उसको पेंट करना, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं इंटरनेशनली लेवल पे भी. इसको बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत सारे डिज़ाइनर्स ले गए हैं. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास टेक्सटाइल के अंदर पाकिस्तान में बहुत वसी चीज़ें हैं, क्लॉथिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं. अच्छा, अगर हम इंडिया की क्लॉथिंग के ऊपर बात करें तो इंडियन क्लॉथिंग इज क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द कलरफुल सिल्क साड़ीज वोन बाय मेनी ऑफ द कंट्रीज वुमेन. अ ट्रेडिशनल पीस ऑफ क्लॉथिंग फॉर मैन इज द धोती, एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ दैट इज टाइड अराउंड द वेस्ट एंड लेग्स. मैन ऑल्सो वेयर अ कुर्ता, अ लूज शर्ट दैट इज वॉर्न अबाउट नी लेंथ फॉर स्पेशल ओकेजन्स. अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो मेंशन है वो फीमेल एंड मेल की डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन के ऊपर मेंशन है कि उनकी वो कैसे पता लगता है कि ये जो है इंडियन वुमेन है. अब जरूरी नहीं है कि इंडिया में आप जाएंगे तो आपको सभी लोग सभी फीमेल साड़ी में मिलेंगी, लेकिन मोस्टली जो चीज़ें आइडेंटिफाइड होती हैं वो कलरफुल सिल्क साड़ी है जो इंडिया का एक सिग्नेचर एक क्लॉथिंग है. अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो फीमेल में शलवार कमीज एंड दुपट्टा. ठीक है, लेकिन हर सलवार कमीज दुपट्टे की हम बात करें तो यही चीज़ हमारे पास पंजाब में भी है, लेकिन पंजाब का वे ऑफ शलवार की मेकिंग, वे ऑफ कमीज बिल्कुल डिफरेंट है. और पाकिस्तान के अंदर हम ओल्ड एक टाइम की बात करें तो वहाँ पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा एक पुराना टाइम में शलवार नहीं होती थी, वो घाघरा होता था और शर्ट होती थी उसके ऊपर. तो डिफरेंट ये वेरिएशन थे जो उस टाइम चलते आए, देन लोगों ने कंटिन्यू रखा. अभी भी ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो घरों में इस तरह की चीज़ें वेयर रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज वुमेन होंगी या ओल्ड एज ऐसे मेल होंगे, वो धोती पहरान ये चीज़ें वेयर करते होंगे. क्यों? क्योंकि उनका एक जो अपना एक बॉन्ड है, अपना एक सच्चाई है उनकी अपनी है कल्चर के साथ, अपने कंट्री के साथ, वो लोग कभी भी नहीं छोड़ सकते. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आपको डिफ्रेंसिएशन पता लगे और आपके लिए आसान हो इस पर काम करना, और इस पर काम करना ज़रूरी है. बाज़ दफ़ा लोग इस चीज़ों को, इन टॉपिक्स को, इन टाइप्स को लेते हैं अपने काम में, लेकिन वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते. जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते? वो बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं. अगर हम इंडिया के ब्रोकेड के ऊपर काम बात करें, ब्रोकेड इट मीन्स बनारसी के कपड़े पे जो काम होता है, जो जेकार्ड का काम होता है ब्रोकेड का, तो वो एक बहुत ज़्यादा ह्यूज सब्जेक्ट है. अगर हम कलमकारी के ऊपर बात करें तो वो एक अपना एक ह्यूज सब्जेक्ट है, उसमें टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आई हैं. तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट इंडियन डिज़ाइंस के ऊपर काम करते हैं, तो इंडियन डिज़ाइंस में तो बहुत वेरिएशंस आ गई, बहुत हिस्ट्रीज कंपाइल हो गई, बहुत कल्चर्स कंपाइल हो गए, तो उनको जस्टिफाई करना नॉट पॉसिबल इन वन प्रोजेक्ट. ठीक है, तो बेशक इस पे काम किया जा सकता है क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो एवरग्रीन है, जो कभी ख़त्म नहीं होनी. आप अगर इसको कोई और फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हो, पाकिस्तान इंडिया के किसी भी ऐसे फॉर्म को, एम्ब्रॉयडरी को, प्रिंटिंग टेक्निक को, वीविंग टेक्निक को, एक बीइंग डिज़ाइनर उसको डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन दे रहे हो, तो वो एक आपका गुड एक एरिया है. ठीक है, अभी हमारे पास कुछ ऐसा है, आर्टिस्टिक मैप्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया शो एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स ऑफ ईच रीजन, दैट इज इंटरेस्टिंग. अब ये एक सिंपली एक मैप बना हुआ है,
जो कि पाकिस्तान का मैप है, ठीक है। अब यहाँ पे एरोस के थ्रू बताया जा रहा है कि यहाँ का ये पैटर्न फेमस है, इधर इस एरिया का क्रॉस स्टिच फेमस है, इस एरिया का बलोची टांका फेमस है, तो ये वो टेक्सटाइल की एक फेमस। तो ये वो चीजें हैं जो टेक्सटाइल के एक सब्जेक्ट में फेमस एक तरह से एनालाइज की गई है पाकिस्तान के मैप के अंदर। अब अगर हम इस एरिया को देखते हैं, सिर्फ मैं इस पे जस्ट आपको एरो प्लेस करके दिखा सकती हूँ उस टाइम, तो ये सारा एरिया सिंध के अंदर, इतना ये वाला एरिया सिंध के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। लेकिन इस सिंध के अंदर सिर्फ एप्लिक नहीं है जो आइडेंटिफाई इसको किया गया है या इसको अपना मेंशन किया गया है, इसके अंदर चार पांच चीजें और भी हैं। लेकिन जो फेमस प्रिंट है सिंध की सौगात कही जाती है वो अजरक कहा जाता है। इसी तरह से इस तरफ हमें बलूचिस्तान मिलता है, तो बलूचिस्तान के अंदर हमारे पास स्पेशली कच एम्ब्रॉयडरी क्रॉस स्टिच बलोची टांका, तो ये वो चीज़ें हैं जो बलोची एक एम्ब्रॉयडरी को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से कैपी के एंड पंजाब, उनकी फेमस चीज़ें हैं जो उनका काम करने का तरीका है वो रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आ जाएं, दीज टेक्सटाइल्स मैप्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया शो द रिच डाइवर्सिटी ऑफ फैशन अक्रॉस ईच कंट्री। अच्छा, अब ये मैप हमें नहीं, इस पर लिखा नहीं हुआ, जैसे ऊपर ये लिखा हुआ है कि दिस पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है, ये पाकिस्तान और इंडिया का एक कंबाइंड एक चीज बनी हुई है जिसमें हमारे पास ये एरोस के थ्रू दिखाया गया है, लाइन्स के थ्रू, कि कौन कौन सा पैटर्न, कौन कौन सा एक टाइप फेमस है इंडिया पाकिस्तान के अंदर। यहाँ से हम रेफरेंस जरूर ले सकते हैं, अगर कोई कहता है कि मैं पंजाबी के ऊपर काम कर रहा हूँ, सेकेंड नंबर पे ये मेंशन है पंजाबी। अब ये फैब्रिक मेकिंग ऑफ फैब्रिक प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होगा पंजाबी, जिसमें कोई इंटरेस्टिंग टेपेस्ट्री होगी, एकत होगी, जो कि बहुत ज़्यादा एक फेमस चीज़ मानी जाती है। तो अगर हम इसी को एज ए टॉपिक लें और अगर हम यहाँ पे गिव मी वन मिनट, पंजाबी डिजाइंस लिख के सर्च करें और हम इसकी इमेजेस में जाएं, तो यहाँ पे एक ह्यूज पैटर्न्स हमें मिलते हैं जो जस्ट पंजाबीव को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कहाँ का है पंजाबीव, यहाँ पे थोड़ी सी इसका आई थिंक हिस्ट्री हमें मिल सकती है, हरियाणा, ठीक है। आई थिंक हरियाणा पंजाब का एक एरिया है जिसको हरियाणा कहते हैं, आई डोंट नो, मे बी पंजाब का कोई सिटी हो जो हरियाणा हो। तो ये एक सिंपल सी बात है कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते हम पाकिस्तान के डिज़ाइन के ऊपर बात कर काम कर रहे हैं, हम इंडिया के डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इंडिया का हर एक डिज़ाइन के अंदर एक हिस्ट्री है, हर एक डिज़ाइन के अंदर एक वेरिएशन है। अच्छा, सिर्फ डिज़ाइन के अंदर वेरिएशन नहीं है, आपको अगर आप इसका पंजाबी की बात कर रहे हैं तो पंजाबी में भी टाइम पीरियड्स होंगे, उस एक एक टाइम पीरियड्स में भी इसके पता नहीं कितने कितने पैटर्न्स होंगे जो चेंज हुए होंगे, उसको बनाने का तरीका चेंज हुआ होगा। तो आप किस एक स्पेशली किस चीज़ को आप फोकल कर रहे हो, जो आपका फोकल पॉइंट है वो क्या चीज़ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको हम नहीं लुक आफ्टर करते। इसलिए हम जब फाइनल हमारा एग्जाम होता है या फाइनल हमारा वाइवा होता है उसमें हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमसे ऑल ओवर चीज़ें जब हिस्ट्री पूछी जाती है तो हमें उस चीज़ का कोई इलम नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी कि इंडो पाक के जो पैटर्न्स हैं या डिज़ाइंस हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि रंगोली है या पेजले एक इंडिया का मोटिफ है या अजरक सिंध का मोटिफ है, इसमें बहुत ज़्यादा एक वसी रेंज है हमारे लिए, जस्ट सिंध इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ ये नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं। अगर ईच टॉपिक पर भी हम रिसर्च करें तो हमारे लिए एक प्रोजेक्ट में सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है द इंडिया मैप विच फोकसेस ऑन हैंड वोवन टेक्सटाइल्स, आल्सो फोकसेस ऑन द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ईच टेक्सटाइल बाय स्टेट। स्टेट इट मींस अगेन प्रोविंस, सूबा। तो इंडिया के मैप में जो कि फोकस कर रहा है इस टाइम वेविंग को, हैंड वोवन टेक्सटाइल जो हाथ से बनाए हुए कपड़े हों, आल्सो फोकसेज ऑन द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ईच, वो इस पर भी थोड़ा सा नज़र आसानी कर रहा है कि जो छोटी सी एक हिस्ट्री है टेक्सटाइल के स्टेट की, तो ये एक बहुत सिंपली एक कपड़े का पेज है
उसके सामने पंजाब फुलकारी, ये जो टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, टाइप ऑफ फैब्रिक है, ये फुलकारी है और ये पंजाब स्टेट से है, मतलब पंजाब के सूबे से है। फुलकारी क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, तो उसके ऊपर ये सारा डिस्क्राइब है। अब ये एक है आई थिंक कचाई सिल्क, कुचाई सिल्क कुछ इस तरह का इसका नाम होगा। अच्छा, ये झारखंड से है और ये झारखंड आई थिंक स्टेट है इंडिया का जो कि इस कपड़े को, इस सिल्क को रिप्रेजेंट करता है। अब इस सिल्क में भी जैसे हमने प्रीवियस जो हमने पंजाब वीव का एक थोड़ा सा डेमो देखा, उसके अंदर जैसे हजारों पैटर्न्स मेंशन हो रहे थे इमेजेस में, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश स्टेट है, सूबा है, उसके उसका फेमस जो टेक्निक है वो कलमकारी है। ठीक है, कलमकारी पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है, लेकिन ज़्यादातर इस पर कलमकारी भी हमने इतना मजीद काम नहीं देखा। तो ये सारे जो हमारे पास एक रिचुअल्स हैं, रस्में हैं, उनको हमने कभी मॉडिफाई करना नहीं सोचा। मॉडिफाई हम ये नहीं कह रहे कि हम इसको ख़त्म करके नई चीज़ें बनाएं, नो, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये लोग कभी ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि ये उन्होंने मेंशन कर दिया कि एथनिक इट मीन्स नस्ली, ये एक काम है जो नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन डाइवर्ट होता है और इस पर काम होता रहा है और होता रहेगा। ठीक है, लेकिन हम इनका मिक्सचर कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, इनके कलर्स से हम थोड़ा सा लाइटली प्ले कर सकते हैं कि हम इसमें से और मजीद एनहांस लेकर आए। सही, अब यहाँ पे ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल्स अप्रिसिएटिंग द प्रिजर्विंग द हेरिटेज स्पेशल फोकस ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र के जो टेक्सटाइल्स हैं, महाराष्ट्र आई थिंक स्टेट है इंडिया में, उसके जितने भी टेक्सटाइल हैं उसकी डिटेल, उसका क्या मीनिंग है, वो कैसे बनता है, किस तरह उसमें क्या चीज़ें यूज होती हैं, उसको यहाँ पे बताया गया है। हम सब चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक बहुत चीज़ इंटरेस्टिंग है, हर तस्वीर के नीचे कपड़े का नाम लिखा हुआ है या उसका एक टाइप लिखा हुआ है। अच्छा, ब्रोकेट ऑफ बनारस। अच्छा, बनारस आपने हमेशा सुना होगा, बनारसी का फैब्रिक है, बनारस है, बनारस जो है बहुत फेमस है, या बनारस इस तरह से होता है। तो एक्चुअली वो बनारस एक आई थिंक सिटी है, लेट मी चेक, ओके, बनारस सिटी इन इंडिया सेकंड नंबर, फाइन। तो ये एक सिटी है बनारस जिसमें ब्रोकेट का कपड़ा बनता है, लेकिन हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन बनारस के नाम से बना दिया है, ये बनारस का कपड़ा है। ठीक है, बट उस कपड़े का नाम ब्रोकेट है और जहाँ से वो कपड़ा बनता है, बिलोंग करता है, जो जहाँ से वो एक एक कपड़े की एक अपना उसकी मेकिंग होती है, वो बनारस है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है बंदनी ऑफ गुजरात, अगेन गुजरात सिटी होगा। बंदनी मतलब चुनरी, इसको हम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चुनरी के नाम से जानते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एक मेथड है, बहुत ज़्यादा इसका क्राफ्ट है जिसके ऊपर लोग आर्टिसंस काम कर रहे हैं, और ये अगेन एक इंटरेस्टिंग फॉर्म है, लेकिन मैं नहीं समझती कि इस पर किसी डिज़ाइनर ने बहुत ज़्यादा यू नो इंसाफ के साथ काम किया होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर और मज़ीद काम हो सकता है और इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, बट इस पर हमने नहीं कभी नज़र डाली। इसके बाद ब्लॉक प्रिंटिंग पाकिस्तान में अंदर जितना फेमस है, वैसे ही इंडिया में इसका एक अपना स्पेस है। मिरर वर्क ऑफ गुजरात, अगेन मिरर वर्क जो है वो हमारे पाकिस्तान में भी डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट जगहों की फेमस है। अब ये गुजरात का एक मिरर वर्क है जो कि इसका सिग्नेचर है, और ये इसी सिग्नेचर से फेमस होगा, लोगों को पता होगा कि ये गुजरात का मिरर वर्क है। मशरू टेक्सटाइल, ठीक है, हिमरो टेक्सटाइल्स, इसी तरह से नचारा मोर, डांसिंग पीकॉक, तो ये सारे जो हमारे पास एक तरह के पैटर्न्स हैं, प्रिंट्स हैं, ये जितने भी सारे हैं, मतलब आपकी रिसर्च आप करके थक जाते हो, आपके पास रेफरेंसेस नहीं ख़त्म होते। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं सेलेक्ट करने के लिए, हम इस पे भी इस तरह से कुछ काम हो सकता है। अच्छा, इंडिया ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, अगेन आपने अभी थोड़े स्टेट्स देखे, थोड़े से आपने जो है डिज़ाइन प्रिंट्स देखे, उसके टाइप्स देखे, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर क्रिएट होगा आपके माइंड में कि हम इस पे भी काम कर सकते हैं, और इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास एक चीज़ रिसर्च में है, और हम इसको अगर वैसे ही एक फॉर्म में रखेंगे, वैसे ही वही चीज़ें एक फील होंगी,
तो एक सिग्नेचर तो है, हम जो चीज ऑलरेडी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते. लाइक मैं ऑलरेडी हूँ, मैं रहूंगी, लेकिन मैं अपना रिप्रेजेंट करना का तरीका अपने आप को चेंज कर सकती हूँ, लेकिन मेरा फिर भी सिग्नेचर उसमें रहेगा. जो उसके डिजाइन पैटर्न्स हैं, जो उसका कलर आइडेंटिफिकेशन है, वो रहेगा. उसी से ही वो जाने जाते हैं, डिजाइन जो है वो पहचाने जाते हैं. लेकिन हम इसका वे ऑफ कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिजाइन को मर्ज कर सकते हैं, एक न्यू पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तानी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, उसमें एम्ब्रॉयडरी, कलर स्कीम, मोस्टली कलर स्कीम इंडो पाक की सेम ही है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास काफी सारे रेफरेंसेस हैं जो मैंने गूगल पे सर्च करके सिंपली, ये ना हो कि मैं आपके सामने कोई बुक मेंशन करूं, देन आपको कि ये बुक कौन सा था हमें नहीं पता, ये रिसर्च तो सिर्फ एक ही बुक में थी, वो कहीं हमें नहीं मिली. तो सिंपली मैंने आपके सामने गूगल रिप्रेजेंट किया है जो कि हर के सबके लिए एक्सेसिबिलिटी रखता है. अच्छा, इंडो पाक कल्चरल टेक्सटाइल्स, एक मैप था जो बड़ा इंटरेस्टिंग था. आई थिंक इस फॉर्म में वो मैप था. इसमें सारे टेक्सटाइल्स, जितने भी टाइप्स हैं टेक्सटाइल के, वो मेंशन थे. अगर आप किसी भी एक टाइप के नाम को सर्च करेंगे तो आपके सामने उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, ये किस स्टेट का है, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वेरिएशंस आए. ये सारी चीज़ें रिसर्च के लिए ज़रूरी होती हैं. ठीक है, इसके बाद हमारे पास है अच्छा, ये स्टार्ट में मैंने आपके सामने जो एक पिक्चर मेंशन किया था जो कि किसी एग्जीबिशन का था. अब ये एक आर्टिस्ट है इंडिया का, जिसने म्यूजियम ऑफ आर्ट्स में अपना एक रिसर्च शोकेस करवाया था, हिस्ट्री ऑफ पंजाब रिच एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट थ्रू फुलकारी. ठीक है, उसमें उसने जितने भी कॉस्ट्यूम्स को डिज़ाइन किया था, मैं इसको इनलार्ज नहीं कर सकती, जितने भी कॉस्ट्यूम्स को उसने रिप्रेजेंट किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, उनके पैटर्न्स एंड प्रिंट सेम इंडिया की फुलकारी से, पंजाब की रिजम्बलिंग थे. वही सेम उसने पैटर्न उठा के उनको मैनिपुलेट किया था, मर्ज किया था, उनके कलर स्कीम के साथ थोड़ा प्ले किया था, एंड देन उसने वही कॉस्ट्यूम जो हर आम बंदा सोच सकता है लेकिन करता नहीं है, उसने सिंपली उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया था गारमेंट्स के अंदर, कट्स के अंदर. अब ये जियोग्राफिकली इंडेक्सिंग, मतलब जो प्रिंट्स एंड पैटर्न्स उसने ओरिजिनली लेके उनको चेंज किया था, उसने वो ओरिजिनल भी यहाँ पे मेंशन किए थे. और कल्चरल लेंस, कितने कल्चरल लेंस थे, क्या टाइप्स थे, उसको ओरिजिनल क्राफ्ट को, जो ओरिजिनल एक चीज़ें अब इस टाइम में बहुत ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड डिफरेंट म्यूजियम्स में मेंशन है. ठीक है, इसी तरह से ये चीज़ें चलती आई और अभी तक चल रही हैं. अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास अब मज़ीद जो भी चीज़ें हैं पाकिस्तान और इंडिया के पैटर्न्स के ऊपर, जो उनके एक डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन हैं, डिफरेंट लोगों का काम है, आर्टिसंस हैं, हम उसे ज़रूर वर्कआउट करेंगे. और मे भी हो सकता है कि सेमेस्टर के किसी न किसी ऐसे फॉर्म में, असाइनमेंट में, हम उन चीज़ों को डिस्कस भी करें. ठीक है, प्रैक्टिकली हम उस पर एक्सपीरियंस करें और उसको थोड़ा सा हम अपनी डिज़ाइन के अंदर मैनिपुलेट करने की कोशिश करें. मैनिपुलेट इट मीन्स एक चीज से दूसरी चीज को मिला के देखना. ठीक है, तो ये सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे आपको जस्ट कन्वे करना था अबाउट रिसर्च के लिए. अगर कोई ऐसा कल्चर है, ट्रेडिशन है जिसपे आप समझते हो कि अवेयरनेस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेबर एक हमारा प्लेस है इंडिया, जो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है हमसे. ठीक है, तो जो भी चीज़ें होती हैं सराउंडेड, वो किसी न किसी वजह से होती हैं. हम अगर हमारा जो पार्टीशन हुआ बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस, लेकिन जो हमारा एक कल्चर है, सकाफत है, वो जुड़ी हुई है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पहले साथ थी, देन इनका पार्टीशन हुआ, तो हमारी सकाफत है, कल्चर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो इसके जो पीछे एक बहुत बसी एक रेंज है, जो मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया और उसके बारे में आपको बताया, उसके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च भी हो सकती है, वर्कआउट भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इट सेल्फ डिज़ाइन काम हुआ हुआ है, जो डिज़ाइन फॉर्म में चीज़ें रिप्रेजेंट हुई हुई हैं. लेकिन उसको आप किस तरह से सोचते हो, या आप किस तरह से उसको बनाने की कोशिश कर सकते हो, या उस फॉर्म्स को क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हो, ये आप लोगों का कमाल है. और अगेन, मैं हमेशा हर वीडियो में ये बात करती हूँ, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, अपनी क्वालिटी को फाइंड करें. अगर हमारे पास अगर चीज़ों की अनलिमिटेड, बार दफ़ा आपको बाउंड किया जाता है कि इस चीज़ पे काम ना करें, इस पे करें, तो आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्यों, मुझे क्यों मना किया जाता है.
या इसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन स्पेशली यही होता है कि हमें सबसे पहले ये चीज कही जाती है एट द एंड फाइनल ईयर में, कोई थीसिस प्रोजेक्ट हो या कोई रिसर्च हो या कोई भी असाइनमेंट हो, वो चीज लें जो आपके सामने हो या आपके पास हो या उसकी रिसर्च आपको इजीली मिल सके। ये सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले तो आप उस जगह पे जा सको। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी नियरेस्ट स्टेट हैं आपके, या आपके अपने स्टेट में, अपने सिटी में जहां से आप बिलोंग करते हो, वहां पे कोई चीज ऐसी है जो बहुत फेमस है, आप उसको रिप्रेजेंट करो थ्रू डिफरेंट फॉर्म, थ्रू मैनिपुलेशन। जैसे वही चीज एक डिफरेंट फॉर्म में दिखे, उसकी रिसर्च आपको अच्छे से मिल सकती है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एक दो फॉर्म्स होते हैं जो मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्क्राइब किया होता है, किया हुआ है कि उसके ऊपर भी काम किस तरह होता है। तो बाज दफा जब आप किसी डिजाइन को लेते हो, उसको मजीद मॉडिफाई करते हो, उसमें से कुछ और मजीद क्रिएशन करते हो, तो वो आप जस्ट एक कॉपी करोगे पेस्ट करोगे, देन कॉपी करोगे पेस्ट करोगे, उसमें भी वही चीज रिपीटेड आ जाएगी। जितना भी आप उसको रिपीट करोगे, बनाओगे, मर्ज करोगे, वो एक कुछ एक मिलता जुलता पैटर्न निकलेगा। लेकिन अगर आप उन्हीं पैटर्न्स को अपने फ्री हैंड ड्राइंग्स के साथ क्रिएट करो, उसमें भले थोड़ी सी डिस्टॉर्शन क्रिएट हो, भले थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट हो, वो चीज़ मजीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो ये ज़रूरी होता है कि आप अपनी स्किल को यूज करें ज़रूर। और अगर एक ही चीज़ को आप रिपीट कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, तो फाइनल एट द एंड उसमें कोई एक इंटरेस्टिंग फॉर्म नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको सिर्फ ट्रेस किया है, जो एजिटेंस है उसी को ट्रेस किया है, उसी में से कुछ निकाला है, उसी ना साइज वेरिएशन के साथ प्ले किया है, ना आपने अपनी स्किल के साथ प्ले किया है। तो ये सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिस पर वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होता है और करना ज़रूरी चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास मोटिव्स ऑब्जेक्ट्स की कमी नहीं है, हमारे पास चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन हमें वे ऑफ वर्क क्या होना चाहिए, सोचना किस तरह चाहिए, इन चीज़ों पे काम ज़रूर करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये एक शॉर्ट एक इंट्रो था इंडो पाक के कल्चर के हवाले से कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट या कोई भी आपके सामने आता है, कोई एक टॉपिक लेकर आता है, फिर आपने उस टॉपिक पे उसके साथ बहस करना बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक अपने वे ऑफ थिंकिंग से आपके सामने आ रहा होता है और आप उसको एक डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहे होते हो। तो बजाय इसके कि आप उस चीज़ को उसको जस्ट वर्डली समझाओ, आप उसको ज़रूर पिक्चर्स के थ्रू रेफरेंस ज़रूर दिया करें या आपस में डिस्कस किया करें। डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, जो कि हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ का लेक है। हम डिस्कस करने के बजाय कोने में बैठ के काम करना बेहतर समझते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम किसी को क्यों दिखाएं या किसी को हमारी चीज़ क्यों पता चले। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो छुपती कभी भी नहीं है। डिज़ाइनर का काम कभी भी एक साइड पे नहीं रह सकता। अगर एक साइड पे ही रहे कि वो डिज़ाइन, तो एक जगह पे एक कॉर्नर में रहे कि अगर डिज़ाइनर काम कर रहा है और वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो वो अपने आप के लिए कर रहा है, उससे बहस नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं इसको बेचने के लिए कर रहा हूँ, आजकल मनी जॉब बिजनेस एक ऐसी नीड है जो लोगों को चाहिए, ठीक है, मनी पैसा सबको चाहिए, तो वो एक फॉर्म जब भी आप क्रिएट करते हो उसी सेंस से करते हो, जब आप इंस्टीट्यूट्स में आते हो, एकेडमिक्स में आते हो कि हमें आगे बढ़ना है और कुछ करना है, तो वो तभी बहुत अच्छा हो सकता है जब आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ के और उनको उसकी रिसर्च के साथ आगे ले जाओगे। तब आप लोगों के सामने अपने एग्जीबिशन करोगे या अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले करोगे, तो आप उस पर उनसे बहस भी कर सकते हो, आप उनसे टॉक भी कर सकते हो। देन वो इस चीज़ पे आमादा हो सकते हैं कि यस, आपने जो काम किया है उसका वर्थ है और वो हमें लेना चाहिए, ठीक है। तभी आपकी चीज़ इतनी मैच्योर होती है जब आपकी रिसर्च स्ट्रांग होती है और फाइनल कंक्लूजन बहुत अच्छा निकलता है। तो ये एक सिंपल एक वीडियो था जो कि बहुत ज़रूरी था मेरे ख्याल से। आपके सारे जो भी डिज़ाइन से रिलेटेड, टेक्सटाइल डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी लोग हैं, इंडो पाक एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने आपको इसमें किसी भी डेप्थ में जाके कुछ नहीं समझाया या दिखाया, लेकिन मैं भी मेरे से कोई ऐसी मिस्टेक हुई हो किसी वर्ड में, किसी रिसर्च में, तो मुझे आप ज़रूर करेक्ट कीजिएगा उस फॉर्म में, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी उसकी लिमिट नहीं होती है, उसका एक लफ्ज़ नहीं होता किसी भी फॉर्म का। उसके डिफरेंट रिसर्चर्स ने हज़ारों टाइप के आर्टिकल्स दिए हैं, हज़ारों चीज़ों पर उन्होंने टॉक किया है, बहस की है। तो मैं किसी कॉर्नर में कोई मेरा कोई कॉर्नर ऐसा हो जो गलत हो, तो आप लोग मुझे वो कमेंट में ज़रूर बता सकते हो कि ये चीज़ ऐसी नहीं थी या ऐसे थी, या अगर इस चीज़ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या इस पर बात मज़ीद की जाए तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। कमिंग वीडियोज़ जो होंगी अकॉर्डिंग टेक्सटाइल
से रिलेटेड डेफिनेटली कोई ना कोई टॉपिक होगा, क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसी एक सब्जेक्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड चल रहा है और ये एक नीड है लोगों की कपड़ा। तो उस पर जो काम हो चुका, जो काम हो रहा है, जो आगे होगा, उस पर सारी एक प्लानिंग दुनिया की चल रही है, डिजाइनर्स की चल रही है, एक बहस चल रही है, एक तरह से एक अवेयरनेस भी लोगों तक पहुंच रही है। तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर कंटेंट होगा जो ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करे। और मेरा जो भी एक टारगेट होता है वो स्टूडेंट्स की तरफ होता है, जो लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, कि उनको आसान तरीकों से चीज़ों को पढ़ने की अच्छे। और मेरी यही कोशिश थी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर।